नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आर एन टेक्निकल चैनल। तो आज नया कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सबसे ज्यादा वीडियो देखते हैं शॉर्ट वीडियो। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाया जाए, क्योंकि आप जब भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब पे और आप उस पर थंबनेल लगाने की कोशिश करते हो, तो वो ऑप्शन आपको यूट्यूब स्टूडियो पे नहीं मिलता। आज उसी को टॉपिक लेके मैंने ये वीडियो बनाया है कि यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगाया कैसे। बस आपको मैं दिखाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाके कि हम अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगाया कैसे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे रेडियो, लेट्स गो। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ से मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले आपको यूट्यूब स्टूडियो। ठीक है, जैसे आप अपने यूट्यूब स्टूडियो ओपन करते हो, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये सेट नहीं होगा। ये आप शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस है और शॉर्ट वीडियोस में मैं एक वीडियो को ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और जैसे मैं शॉर्ट वीडियो लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पेंसिल का बटन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको आप देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल लगाने का जगह पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये थंबनेल में थंबनेल का ऑप्शन नहीं मिलता, नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, हम जाते हैं बैक और यहाँ से जाके हम अपने ब्राउज़र ओपन करते हैं। कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको लिखना है, जैसे आप यूट्यूब लिखते हो उसके बाद में आपको सर्च कर देना यूट्यूब पर। उसके बाद में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल रहा है आपको youtube.com का। youtube.com में आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपका ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये थ्री डॉट का जो लाइन दिख रहा है आपको ये लाइन पे क्लिक करना है और इससे आपको जाना है डेस्कटॉप मोड पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप मोड ओपन कर दे और जैसे आपका ये डेस्कटॉप मोड ओपन होता है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ उसको। ठीक है, मेरा लोगो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैं इस लोगो पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, योर चैनल, योर स्टूडियो। तो मैं अपने योर स्टूडियो पे चला जाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो पे चला जाते हो तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, वीडियो का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से आप कोई सा भी एक वीडियो, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला वीडियो ले लेता हूँ। फर्स्ट वाला वीडियो में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंसिल का बटन, पेंसिल के बटन में क्लिक करेंगे और पेंसिल के बटन में क्लिक करते आपको थोड़ा स्लाइड करके नीचे जाना है। ठीक है, थोड़ा रोलिंग करके नीचे जाना है और नीचे आपको यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आ रखा है। ये थंबनेल का ऑप्शन है, आप यहाँ से थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, थ्री लाइन डॉट दिखाई देगा। अब ये थ्री लाइन डॉट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डाउनलोड और चेंज का ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ लगा रखा है, मेरे को चेंज का ऑप्शन दिया। अगर आपने कोई नहीं लगा रखा है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं यहाँ पे चेंज का ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैं चेंज का ऑप्शन दिया, आपको मेरे यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए, और फाइल वगैरह कैमरा पे और कैमरा कैमकॉर्डर और कैमरा और फाइल। और जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बहुत सारे ऑप्शन आ गए जहाँ पे मैं थंबनेल्स वगैरह बना के रखता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, जैसे मैंने वही थंबनेल चूज़ करूँगा जो वहाँ पे है, तो ये है मेरा फर्स्ट पेज जो लगा रखा था मैंने, उसे चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, वो यहाँ आ गया और ये ऊपर में जाके इसको आप स्लाइड करके ऊपर जाइए। ठीक है, आप स्लाइड करके ऊपर जाइए, ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पे ये देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रखा है, सेव का ऑप्शन आ रखा है। आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हो। अब जैसे ये सेव हो जाता है, उसके बाद में आप अपना YouTube स्टूडियो ओपन करके, जो YouTube स्टूडियो ऐप्स जो है वो ओपन करके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपका ऑलरेडी थंबनेल लग चुका होगा। ऐसे ही अपने शॉर्ट वीडियो पे YouTube थंबनेल लगाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि YouTube शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगाते कैसे, मैंने आपको पूरा प्रोसेस से बताया। तो ऐसे ही आप अपने शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगा सकते हैं अपने YouTube स्टूडियो में जाके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे बहुत सारे वीडियो जो मैं यूट्यूब से रिलेटेड बनाते रहता हूँ चैनल में जाके, आप उससे बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।